आप लोगों ने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। गायजा इज फॉर मी, मेरे लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा क्लोज गाना है, बिकॉज ये मैंने आई थिंक 2017 में कंपोज किया था और उस टाइम से मेरे पास पड़ा हुआ था। फिर आई थिंक 2020 लॉकडाउन, इंडिपेंडेंट म्यूजिक राइजिंग, उस टाइम पे अरिजीत ने बोला कि आई वॉन्ट टू डू दिस सॉन्ग, सो लगो के लेट्स डू इट एंड फिनिश इट। सो श्लोक ने ऑलरेडी लिरिक्स लिखे हुए थे और मुझे मेरे माइंड में था कि आई नीड लाइक अ सॉन्ग विच एक्सप्रेसेस सेल्फ लव। जो हम भागदौड़ की दुनिया से मतलब चलते रहते हैं और हाउ टू लाइक यू नो जस्ट बी सेल्फ, थोड़ा सेल्फ खुद से प्यार करने वाला जो सीन है वो उसके लिए ही किया था ये गाना। एंड इट टॉक्स अबाउट द स्टोरी ऑफ प्रॉब्ली एवरी पर्सन, जो हम लोग हसल रेस कर रहे हैं हर दिन, उसको ही दिखाने की कोशिश की है कि स्टॉप, रिलैक्स फॉर अ वाइल एंड देन स्टार्ट अगेन। सो क्योंकि लिरिक्स श्लोक ने लिखे हैं तो ऑब्वियसली वो एक बेटर एक्सप्लेनेशन देगा इसका, तो आई लैंड इट ओवर टू यू। इनफैक्ट ये सेल्फ लव वाला जोन और फिर गाना, क्योंकि बनते बनते भी काफ़ी टाइम लगा, तो उसमें कहीं ना कहीं वो जो थीम है गाने की, प्रोक्रेस्टिनेशन या हर चीज़ को डिले करना, आज को कल पे टाल देना, जैसे हर एक चीज़ में हम लोग करते हैं, शायद अगर जिम जाने की बात हो या फिर छोटी सी बात कि यार 5 मिनट और सो लेने दो, तो ऐसे छोटे छोटे उन सारी चीज़ों को कैप्चर करके ये गाना बना, जो कि मैं खुद जी रहा था उस समय इन चीज़ों को। तो गाना लिखने में भी जब सनी पूछ रहा था कि कब दे रहा है, बोला एक दिन बाद देता हूँ, तो वैसे करके। बट आई थिंक काफ़ी रिलेटेबल फीलिंग है ये, हम सब कहीं ना कहीं ये चीज़ में जूझ रहे या उलझते हैं, बट इससे काम भी निकल जाता है कई बार। टेकिंग इट स्लो मेक्स यू लुक एट थिंग्स इन अ बेटर वे एंड देन यू अप्रोच इट इन अ बेटर वे ऑल्सो। करेक्ट। आपका इतना सालों का एक्सपीरियंस रहा है, यू बीन यू नो पार्ट ऑफ वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स, बेस्ट सिनेमा, बेस्ट म्यूजिक दैट वी वांट, प्लीज टेल अस अबाउट योर जर्नी, हाउ यू स्टार्टेड एंड अबाउट द फिल्म्स दैट यू बीन पार्ट ऑफ टू कमिंग टू द सॉन्ग नेक्स्ट। श्योर थिंग। सो मैंने काफ़ी छोटे में आई स्टार्टेड, सो आई वॉज 15 आई थिंक, मैंने स्टार्टेड असिस्टिंग माई ब्रदर एट अ स्टूडियो और वहाँ से जर्नी चलती गई, 20 साल से ऊपर हो गए अभी। बट आई व्हेन लाइक आई वाज इन बॉम्बे, फिर मैं यहाँ से हैदराबाद मूव हुए, हैदराबाद से फिर वापस बॉम्बे आया और यहाँ पे काफ़ी लोगों के साथ काम किया। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सन हुआ आई वर्क विथ इज प्रीतम दा। आई वर्क विथ हिम फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स इन हाउस और फिर उसके बाद फिर भी वो रिलेशनशिप और वो काम अभी तक चल ही रहा है। इनफैक्ट श्लोक ने भी काफ़ी काम किया है प्रीतम दा के लिए। एंड लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक जो भी चीज़ हम लोग अभी के टाइम में कर पा रहे हैं, प्रीतम दा हैज़ अ बिग हैंड इन इट इन टर्म्स ऑफ टीचिंग फॉर ऑल ऑफ अस, मी, श्लोक, अरिजीत, सब लोग, क्योंकि अरिजीत और मैं साथ में ही असिस्ट करते थे प्रीतम दा को। काफ़ी सारे एक्सपीरियंस मिले, ये जवानी दीवानी, ए दिल है मुश्किल, बर्फी, टू नेम अ फ्यू, और एक अलग एक लाइक यू नो इट्स अ डिफरेंट फील ऑल टुगेदर वर्किंग फॉर मिस, लाइक अ फैमिली सीन गोइंग ऑन जहाँ पे प्रीतम दा है और हम लोग सब उनके बच्चे हैं और खेलते कूदते ये चला गया। तो या दैट्स प्री मच श्लोक, यू वांट टू ऐड समथिंग? मैं तो हाँ, नो प्रॉब्लम, तो मेरा आई थिंक म्यूजिक में आना वो भी डिले ही हुआ है। मतलब सनी बहुत पहले स्टार्ट कर दिया, मैं तो आई थिंक मैं जब 28 का हुआ तब मैंने सोचा कि यार एक बार ट्राई करते देखते क्या होता है। एंड जैसा सनी ने बोला, आई थिंक हमारी जर्नी, हमारी ग्रोथ शायद इनकम्प्लीट होती, या मेरे लिए तो मेरी शुरुआत भी इनकम्प्लीट होती अगर मैं प्रीतम दा के यहाँ पे नहीं जाता या मैं वहाँ पे मुझे वो मौका नहीं मिला होता कि आ करके बस लिखो। मतलब मैंने इस हिसाब से वहाँ पे गाने लिखे और उस चीज़ में इतना पॉलिश हुआ, मुझे फीडबैक्स बहुत आते थे सनी, आशीष सर, दादा खुद, तो उससे करते करते काम बहुत अच्छा होते गया। एंड मतलब शुरू में तो बस मैं ऐसा लग रहा था जैसे अगर आप जन्नत पहुँचो तो आप सिर्फ नज़ारे ही देख करके खुश हो रहे होगे कि भाई सारे बड़े बड़े लोग मेरे सामने, मैं बस देख रहा हूँ। तो उस हिसाब से जर्नी स्टार्ट हुई एंड हमने शुरू में भी हमने गाना किया था कहानी, वो हमारा पहला गाना था, तो वहाँ से एक सफ़र स्टार्ट हुआ जो कि अब हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आई एम सो ग्लैड दैट गायजा
फाइनली आ गया है, आ गया है। काफी क्वेश्चंस आए बिकॉज सोशल मीडिया वाज फुल। लास्ट ईयर अनाउंस कर दिया था हमने, 2021 जैन में शूट किया था और उसके बाद गाना अनाउंस कर दिया था, और अभी हम जून 22 में हैं। तो बट इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी फॉर अस। इस गाने का तो जैसा मैंने पहले बताया, सो दिस सॉन्ग वॉज डन, इट वॉज रेडी विद द लिरिक्स एंड एवरीथिंग। जब अरिजीत ने सुना, और उसका एक थॉट प्रोसेस था, सबसे पहले अरिजीत और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे काफ़ी सालों से, तो हम लोगों ने साथ में काम किया है, और यू नो वी ट्यून वेरी वेल टुगेदर। सो व्हेन ही सेड ही विल सिंग दिस सॉन्ग, आई वॉज इनिशियली स्केप्टिकल, मैंने बोला अरे नहीं यार ये मेरा गाना, मैं मेरे लिए रखता हूँ। बट ऑब्वियसली हम लोग दोस्त हैं तो कन्विंस कर लिया मुझे कि हाँ नहीं ये गाना मैं गा रहा हूँ करके। द प्रोसेस हैज़ बीन वेरी गुड बिकॉज मेरा एक थॉट प्रोसेस था इवन फॉर द वीडियो, एंड अरिजीत एक्चुअली टुक दैट एंड इलैबोरेटेड इट इन अ डिफरेंट वे। वीडियो इज शॉट बाय हिम, द स्टोरी इज रिटन बाय हिम एंड अरिजीत एंड हिज वाइफ कोयल सिंह, और अरिजीत ने खुद से इंटरेस्ट लेकर के ही शॉट द वीडियो ऑल्सो, ही इज़ इंटरेस्टेड इन डायरेक्टर, बींग अ डायरेक्टर एज वेल। तो उस हिसाब से काफ़ी जो इन्वॉल्वमेंट एक रहता है ना, यूजुअली क्या होता है कि आपने एक गाना बनाया है, द आर्टिस्ट इज़ कम, ही इज़ संग एंड ही इज़ गॉन एंड दैट्स इट, फिर उसके बाद किसी को कुछ मालूम नहीं। वो नहीं है इस गाने के साथ, काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है सबकी, एंड राइट फ्रॉम लिरिक्स टू, लिरिक्स पहले ही हो गया था जैसे बोला, बट राइट फ्रॉम म्यूजिकैलिटी और कैसे उसको शेप अप करना है, गाने का वीडियो कैसा होगा, आई वॉज देयर फॉर द शूट एज वेल, सो इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। देन शशांक केम ऑन बोर्ड, वर्तिका केम ऑन बोर्ड, वर्तिका ने वीडियो में बहुत अच्छा काम किया, शी इज़ डन इट वेरी वेरी वेल, एंड शी इज़ अ फैबुलस डांसर एंड शी इज़ एक्टेड वेरी वेल इन दिस वीडियो एज वेल। आई थिंक 200% जो मेरे दिमाग में था, मेरे दिमाग में सिर्फ ये स्टोरी एक टाउन में चल रही थी एक लड़की की, और ये हम पूरा चेंज होकर के गांव में शिफ्ट हो गया, लेकिन द लुक एंड द फील ऑफ द वीडियो, द मैसेज विच इट पुट्स अक्रॉस, काफ़ी सारे हिंट्स है वीडियो में, अगर आप वीडियो स्लो डाउन करके या फिर रोक रोक करके देखोगे तो काफ़ी जगह पर काफ़ी चीज़ें लिखे भी है। सो मतलब 100% सेटिस्फाइड विथ वॉट वी हैव गिवन आउट, एटलीस्ट आई होप कि सब लोगों को पसंद भी है। फिलोसफी ऑफ द लेबल, सो मैं काफ़ी लेबल से भी काफ़ी जुड़ा हुआ एक्चुअली, सो द लेबल इज़ कॉल्ड इज ओरायन म्यूजिक बाय अरिजीत सिंह। लेबल का फोकस अभी तक और आगे भी यही रहने वाला है कि एज आर्टिस्ट जो भी हम यू नो वॉट एवर वी थिंक ऑफ, वी शुड टेल इट विदाउट यूजिंग एनी फिल्टर। बाय फिल्टर आई मीन, अगर आप फिल्म के गाने करते हैं तो उसका वाइब अलग रहता है, द स्टोरी हैज़ टू मैच, बट यहाँ पे एक गाना हैज़ टू बी वन स्टोरी। सो अगर श्लोक ने लिखा है कि करेंगे करेंगे ऐसा भी रश किया, उसको एग्जीक्यूट करना जो है वो काफ़ी ही डिफ़िकल्ट काम है। बट एज अ लेबल इफ़ यू सी द रिलीज सॉन्ग्स, रिहा, पगलेट का पूरा एल्बम उस लेबल पे आया है, एंड देर आर मेनी अदर सॉन्ग्स विच अरिजीत हैज़ डन, आई थिंक द लेबल इज़ जस्ट गोइंग इन द ट्रू डायरेक्शन ऑफ हाउ ए यू नो एन आर्टिस्ट ओरिएंटेड लेबल शुड बी। ये आई थिंक मुझे लगता है ये फ्लो में चले गए हम लोग कि ये गाना है, इसको ऐसे एग्जीक्यूट करना है, और वो होता है ना यूनिवर्स आपको साइन देती है कि हाँ आप इससे के साथ बढ़ो, इसके साथ काम करो, वो नेचुरली आते गया। तो आई डोंट थिंक सो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है सोचने में कि अच्छा किसको कास्ट करें, किसको ले, इंस्टेंट माइंड में कि अच्छा
सबसे पहला चीज लिबरेशन क्या होगा, डांस बाय योरसेल्फ. ओके, लेट्स गेट अ डांसर ऑन बोर्ड, अ ग्रेट डांसर. वर्तिका केम ऑन बोर्ड, शशांक वॉज देयर, ही कोरियोग्राफ्ड इट, ही अपीयर्ड इन द वीडियो एज वेल. सो आई थिंक जो डिफरेंट वाली बात है, डिफरेंट मैं डिफाइन नहीं कर सका, आई कॉन्ट डिफाइन वॉट इज डिफरेंट, बट आई कैन डेफिनेटली से कि दिस इज अ मैसेज फ्रॉम आर हार्ट, दिस इज अ सॉन्ग फ्रॉम आर हार्ट, एंड आई थिंक इट्स कम आउट वेल. Yes. Is Arijit very choosy when it comes to being part of a project as such? I mean, that is the reason he is a class. Choosy hai kisi cheez ko lekar ki hum usi ek project karna hai. See, I don't think so choosy है, बिकॉज अगर चूज़ी रहता तो इतने सारे गाने नहीं आते थे, आई एम श्योर. बट डेफिनेटली सी, अरिजीत के ग्रोथ में जितना हाथ उसका खुद की सिंगिंग का है, साथ में कंपोजर्स हु वी डोंट गेट टू यू नो अप्रिशिएट एवरी डे टू डे, कि उन्होंने कास्ट किया अरिजीत को, और दे न्यू दैट दिस इज़ द गाय हु विल टेक द सॉन्ग टू द नेक्स्ट लेवल. सो आई डोंट थिंक सो ही इज़ चूज़ी. बट जब ये लेबल की बात करें तो इन द लेबल वी हैव जस्ट दैट वन फंडा है कि मेरे दिमाग में एक फील है, मुझे वो एग्जीक्यूट करना है, और वो एग्जीक्यूट होते जा रहे हैं लकीली. तो ये रुकिए, एज अ कंपोजर इट्स वेरी एक्सटेंसिव एरियाज, आप किस तरीके के गाने जो फिल्मदा के साथ भी आप एसोसिएटेड हैं, अब आप यू नो इंडिपेंडेंट वर्क आल्सो नाउ, सो व्हाट इज द काइंड ऑफ सॉन्ग्स दैट यू लाइक टू डू व्हेन यू सी ऑन दिस इंडस्ट्री दैट दिस इज माय यू नो फर्स्ट यू वोंट प्राउडली एवरी सॉन्ग यू डू बट इट्स yeah. It's a very difficult question. काफ़ी difficult question. You have to define कि मुझे कैसे गाने पसंद हैं, क्योंकि thankfully इतने सारे टाइप के गाने हो चुके हैं, मुझे काम करने का मौका मिला है, कि right from a बलम पिचकारी to कबीरा, कि मेरा I don't think so I want to like you know put myself in a zone कि यही मेरा स्टाइल है, ये मुझे पसंद है. मुझे सब कुछ, मुझे म्यूज़िक पसंद है बेसिकली. तो जब आपको म्यूज़िक पसंद होता है, जब आपको कोई भी एक आर्ट फॉर्म पसंद होता है, तो आई थिंक आफ्टर दैट इज़ जस्ट अबाउट हाउ यू व्हाट यू फील इन योर माइंड, और वो आप बाहर निकाल करके रख सकते हो. आई होप सो टू मास्टर. आई एम एक्सट्रीमली प्राउड, ऑनेस्टली प्राउड होने के काफ़ी रीज़न है. अभी ये मैं अरिजीत को नहीं बोलता हूँ, बट मैं ये ओपनली बोलता हूँ, बिकॉज फॉर हिम ऑल्सो टू चूज़ अ सॉन्ग लाइक दिस विच इज़ डेफिनेटली नॉट समथिंग आई थिंक पीपल हैव हर्ड हिम ऑफ, लाइक ऐसा टाइप का गाने में सुना नहीं है. तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ द सॉन्ग, आई एम वेरी प्राउड द वे अरिजीत हैज़ एग्जीक्यूटेड द सॉन्ग, द म्यूजिशियंस हु वर इन्वॉल्व इन द सॉन्ग, एंड also the video and Vartika, and absolutely not to forget ye aadmi jo baitha hua hai shlok jisne line likhi hai. I'll just sing those two lines. It goes, the chorus of the song is like, karenge karenge aisa bhi rush kya, hu zara late main chhodna bas kya, sofa pe baith ke ya to phir let ke le raha hu abhi rooh ka zaika, ना बनी बात है ना बने बाल है, गा रहा दिल मेरा बेवजह गाए जा. मतलब मीनिंग वाइज इट्स सो गुड, इट्स सो रिलेटेबल, कि आप आई एम जस्ट वेरी हैप्पी विद द सॉन्ग. मतलब लिरिक्स को जस्टिस तो हर बार ही मिलता है. इनफैक्ट जब हमने स्टार्ट किया था, पहला गाना रिहा ओरायन पे आया था, एंड जस्टिस से भी ज़्यादा जो एक बात है कि हमने जब गाना हम बनाने बैठते हैं, तो कई बार होता है कि हम बहुत जल्दी जल्दी में बनाते हैं, या बहुत जल्दी जल्दी में उसे ख़त्म करना होता है. बट यहाँ पे हम लोग बहुत टाइम ले लेकर के भी ये काम सिर्फ इसलिए हो, एक्चुअली मैं उसको कट करूंगा, ये सिर्फ इसलिए हो क्योंकि उसने गाने में लिख दिया करेंगे करेंगे ऐसा भी रश किया. हाँ, मतलब कि रिहा लिखने में आई थिंक हम सब लोगों ने बैठ करके करीबन एक डेढ़ महीना लगाया कि वो गाने को उस लेवल पे ले जाना है, क्या बात करनी है. तो वो जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि हमें क्या कम्युनिकेट करना है, आई थिंक वो बहुत ही शुरू से बहुत क्लियर रहता है, चाहे गाए जा था चाहे रिहा. हर समय हम लोगों ने बस ये सोचा कि हमें बोलना क्या है, पहले हम वो बस क्लियर रखें.
और एक बार वो आता है तो फिर माध्यम अपने आप निकल आता है कि हाँ भाई चलो ये रूट सही लग रहा है, ये रूट सही लग रहा है। देन जब वो फाइनली ऐसा, जब मैंने वीडियो देखा, लाइक मैं सेट पे नहीं था, एंड जब मैं वीडियोस देख रहा हूँ या फिर जब मैंने कुछ BTS देखे, तो मुझे इतना मन किया कि यार काश उस समय जा पाता। बट जो मज़े, जो तैयारियाँ करने में, या जो और जो कहानियाँ हैं उस सेट को भी खड़ा करने के लिए, या जो लोकेशंस को तैयार करने के लिए, एंड देन व्हेन यू फाइनली सी इट, तो फिर लगता है कि यार अच्छा है, बहुत ही बढ़िया से सारी चीज़ें एग्जीक्यूट हुई, बहुत ही अच्छे से सामने आया। एंड लाइक आई डोंट थिंक, अगर इससे इस गाने को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट और अगर प्यार मिलता है, तो हम सब लोग विल बी मोर मोटिवेटेड टू मेक मोर ऑफ सच सॉन्ग्स, एंड इट बी समथिंग दैट देन वी कैन डू एज अ मोर प्रोडक्टिव, एज अ मोर ल्यूक्रेटिव साइड टू म्यूजिक फॉर अस, इट विल बी दैट। तो सर, इफ वी टॉक अबाउट वर्तिका, हम सभी को पता है वो काफ़ी अच्छी डांसर है, तो और हमने इस वीडियो में देखा वो एक्ट भी कर रही है, तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है उनके उनके साथ एज अ आर्टिस्ट काम करना? सो जब मैं शूट पे था, एक्चुअली शी वॉज वेरी गुड, उसका फ्लो, द वे शी वॉज जस्ट गेटिंग इन टू द जोन, जो गाने में भी है, वो काफ़ी ईज्ड आउट था। मुझे लगा ही नहीं कि पहले उसने कभी एक्ट नहीं किया है वीडियो में, एंड आई थिंक इट्स अ स्पेशल पॉइंट एंड इट्स अ ब्लेसिंग फॉर हर ऑल्सो टू है। बहुत नेचुरल, शी इज़ वेरी वेरी नेचुरल, एंड शी इज़ अ वेरी सिंपल स्वीट लिटिल गर्ल, वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ओवर देयर, एंड अमेजिंग, शी इज़ जस्ट रियली गुड। सो जैसा आपने बताया, आपने लास्ट ईयर 2021 में अनाउंस कर दिया था इस गाने के बारे में, और अब जाके ये रिलीज हो रहा है, सो उसके बीच ऐसे कुछ रिस्पॉन्सेस ऑडियंस के थ्रू जो आप शेयर करना चाहते हो? उसके बीच तो मैं काफ़ी सोशल मीडिया में उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन इतने सारे मैसेजेस आए अरिजीत के फ़ैन फॉलोअर्स के, वर्तिका के फॉलोअर्स, कि कब आ रहा है गायजा, कब आ रहा है। मैंने कुछ और एक गाना रिलीज़ किया, उसका पोस्ट डाला, सर ये तो ठीक है लेकिन गायजा कब आ रहा है। तो एक्चुअली मज़ेदार भी है इंटरेक्शन, बिकॉज जो भी लेट हुआ है, जिस भी वजह से लेट हुआ है, लेकिन जो लोगों के साथ इंटरेक्शन करने मिला वो काफ़ी सही था। अपकमिंग है काफ़ी सारे गाने हैं, एक्चुअली मैं अभी कोई भी प्रोजेक्ट इतना सॉलिडिफाइड नहीं है कि मैं उसके बारे में बता सकूं, बट देर आर मेनी थिंग्स कमिंग अप फिल्म साइड में। मैं पर्सनली आई एम वर्किंग ऑन ब्रह्मास्त्र, ही इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट, एंड इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट म्यूजिक में हम लोग काफ़ी सारे कोशिश कर रहे हैं। सो कंटिन्यूइंग फ्रॉम इंडिपेंडेंट म्यूज़िक, तो फिल्म वाली तो बात अलग होगी, बट इंडिपेंडेंट म्यूज़िक में हम लोग काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इंडिया में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। मैंने एक स्टूडियो / प्रोडक्शन हाउस फॉर म्यूज़िक स्टार्ट किया है, जिसका नाम है गॉडफादर प्रोडक्शंस। सो गॉडफादर प्रोडक्शंस का मोटिव यही है कि वी वॉन्ट टू गिव दैट चांस एंड गिव दैट स्पेस टू अपकमिंग म्यूजिशियंस, अपकमिंग सिंगर सॉन्ग राइटर्स, जो अपना गाना बनाना चाहते हैं, या फिर दे वॉन्ट टू एग्जीक्यूट अ सॉन्ग इन वट एवर वे, वेदर दे वॉन्ट टू मेक अ म्यूजिक वीडियो फॉर इट, सो वी आर देयर टू वर्क फॉर देम एंड लाइक यू नो इन वट एवर वे पॉसिबल। आने वाले प्रोजेक्ट्स में शहजादा है, जो कि आई थिंक एंड ऑफ दिस ईयर आएगी, प्लस ब्लाइंड आ रही है, देर आर कपल ऑफ धर्मा मूवीज दैट आर इन लाइन, तो ये मूवीज़ हैं, प्लस सिंगल्स तो आते हैं, मतलब वो जब आते हैं तो मुझे भी वैसे ही पता चलता है कि भाई बस आने वाला है, तो उस समय एक वो माहौल बन जाता है, तो ये है, काफ़ी एक्साइटिंग है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, आई एम होपिंग दैट इस गाने के साथ साथ और आने सारे गाने ऐसे ही पसंद है, ऐसे ही पसंद आए, वो मज़ा आ जाएगा बस वो। पार्ट टू गायजा का, पार्ट टू शायद से तू भी गायजा, या तो तू भी गायजा नहीं तो नाचे जा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।